5, 4, 3, 2, 1. फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अभी इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं, मतलब 12:07 हो रहे हैं और अभी एकदम 100K हुए हैं। एंड आई डोंट नो, आई एम जस्ट सो एक्साइटेड। और पता है, बार बार पेज रिफ्रेश की जा रही थी, ये 9999 वाली फिगर भी रिकॉर्ड की थी मैंने। लैपटॉप पर डैशबोर्ड खोला हुआ था, मोबाइल पर भी यूट्यूब स्टूडियो खोला हुआ था, दोनों ही चीज़ें बार बार मैं रिफ्रेश की जा रही थी कि कैसे ही एकदम से फिगर आएगी 10000 वाली। और जब मैंने इस पॉइंट पे आके मोबाइल पे रिफ्रेश किया ना, तो यहाँ पे आप लोग देखना, अभी ये 10000 हो जाएगी एग्जैक्ट, ये देखो। हालांकि मुझे अंदाज़ा था कि आजकल में हो ही जाएंगे 100K, लेकिन फिर भी मुझे मतलब बेइंतहा एक्साइटमेंट हो रही है। और एक टॉप सीक्रेट बताऊँ, मैं थोड़ा सा रोई भी थी अभी। आई मीन खुशी के आंसू थे, लेकिन बस बहुत अच्छा लगा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, किस इमोशन से एक्सप्रेस करूँ। ऑनेस्टली मुझे ये देख के भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे चैनल के नाम के नीचे 100K लिखा हुआ है। आई एम जस्ट सो हैप्पी, थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट का। आई जस्ट लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ आपका मैं। अच्छा, तो फुल सेंटी शेंटी होने के बाद देन आई वाज सरप्राइज टू सी ये डेकोर शिकोर हुआ हुआ था। और बाकी आप खाली ये केक चेक करो, मतलब कितना ही कोई औसम केक लग रहा है। और उससे भी अच्छी बात पता है क्या, ये मेरी खाला ने खुद बेक किया है, मतलब खुद डिज़ाइन किया है, खुद डेकोर किया है, फोंडेंट केक है शायद ये। बस फिर इसके बाद जी ये केक कटिंग की और सबने केक वे खाया। बाय द वे केक वॉज सुपर्बली डिलीशियस, आई विश आई कुड शेयर इट विद यू ऑल, लेकिन ज़ाहिर पॉसिबल नहीं है वो। बहरहाल खैर जी, ये सब करने के बाद ढेर सारी पिक्चर्स ली मैंने अपनी, बाय द वे आप ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ मैं, बट आई हैड सो मच फन, मतलब मैंने एक एक मोमेंट बहुत इन्जॉय किया। बाकी इसी दौरान इंस्टाग्राम पे मुझे इतने सारे DMs आ रहे थे, इतने स्टोरी मेंशंस और टैग्स आ रहे थे, मतलब इतने DMs मुझे शायद पहले कभी नहीं आए होंगे जितने इस दौरान आए। सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, दुआएं दे रहे थे, तो बड़ी खुशी हुई वो भी देख के। और पता है इन सब चीज़ों में सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि दे आर रियली प्राउड ऑफ मी, तो उसकी तो बस एक नेक्स्ट लेवल खुशी हुई थी, मतलब दैट वॉज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बाकी इसके अलावा खैर, जब सारा ये सेलिब्रेशन वगैरह हुई तो मैं सोने लगी, तो मुझे नींद नहीं आई, शायद ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी मैं। खैर फिर मैंने क्या किया, जुगाड़ू अपने, मैंने जल्दी से स्पेगेटी बनाई। वैसे मुझे सब्जियां पसंद हैं, लेकिन बस मुझे स्पेगेटी में अच्छी नहीं लगती है, तो मैं सिर्फ चिकन ही डालती हूँ। तो बस मसाले वगैरह डाल के सिंपली मैंने स्पेगेटी बॉयल करके उसमें डाल दी और बस इसको मिक्स करके मैंने निकाल लिया था। बस ये क्विक सी स्पेगेटी बन जाती है 10 मिनट के अंदर अंदर। बस फिर तो फुल 2-3 घंटा एकदम नेटफ्लिक्स पर चल वाली सिचुएशन थी। बाय द वे हाई नेटफ्लिक्स में ये के सीरीज़ देख रही हूँ, के ड्रामा है ये, इसका नाम है होटल डेलुना। काफ़ी लोगों ने रेकमेंड की थी ये सीरीज़। अच्छा, इसमें जो फीमेल करेक्टर है ना, वो सिंगर आयु प्ले कर रही है, और बाकी काफ़ी सेवेज सा करेक्टर है इसमें इसका। एंड सो फार तो अच्छी लग रही है सीरीज़, बाकी 2-3 एपिसोड्स देख के भाई मैं सो गई थी। सुबह बखैर, तो जी ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है अब, और अभी मुझे एक नाश्ता वाश्ता करना है, उसके बाद एक ज़रूरी काम है, और वो काम ये है कि गिव अवे के लिए बॉक्स रेडी करना है। चीज़ें वगैरह ऑर्डर कर ली थी पहले ही, अब बस चीज़ों का सैम्पल करना है और पिक्चर्स वगैरह लूँगी। आप सबको थैंक यू करने के लिए बस एक छोटा सा गेस्चर है, मतलब आप में से कोई एक ही सारी चीज़ें जीत सकता है। और रूल्स वगैरह आगे बता दूंगी आपको मैं कि आप किस तरह एंटर कर सकते हो और किस तरह ये सारी चीज़ें विन कर सकते हो। तो चलें जी, अब जल्दी से बस इस काम पे लगते हैं। हाँ जी, सो ये गिवअवे का बॉक्स पूरा रेडी हो चुका है, आपने देखी होगी पूरा प्रोसेस इसका। बाकी हाँ, इसके रूल्स वगैरह आपको हमें बता देती हूँ ताकि आप लोग सब भी एंटर कर सको। तो पहला रूल है इसे जीतने का कि आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है। दूसरा रूल, आपको यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करना है। तीसरा ये है कि मैंने इंस्टा पे जो पोस्ट की हुई है ना, वहाँ पे जाके 3 फ्रेंड्स को मेंशन करना है एंड आस्क देम टू फॉलो मी टू। बाकी इसके अलावा आपको इंस्टा पे जो पोस्ट वगैरह हैं और यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं उन पर इंगेजमेंट शो करनी है, यानी कि वीडियोज़ और पोस्ट को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है, बाकी पोस्ट वगैरह सेव करनी है, दैट्स इट। अच्छा, ये एफर्ट बेस्ड गिव अवे, जो जितनी ज़्यादा एफर्ट करेगा, जितनी इंगेजमेंट शो करेगा, लाइक कॉमेंट करेगा, वो विनर होगा। और हाँ, विनर मैं अनाउंस करूंगी 1 जुलाई को। हाँ जी, सो स्टे ट्यून्ड एंड विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।
ओके जी, सो गिव अवे बॉक्स तो हो गया है रेडी, अब बारी है एक और मजे के ट्विस्ट की, सरप्राइज की। आप लोग सोचे हम लोग कहाँ जा रहे होंगे। चले मैं आपको हिंट देती हूँ, देखें हम लोग कराची से हैं, सेकेंडली गर्मियाँ बहुत हैं। अब आप लोग सोचे हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी सी साइड। तो यहाँ पे हम लोग आए थे टर्टल बीच, हॉक्स बे का कोई सा पॉइंट है शायद, बहरहाल नाम इसका टर्टल बीच है। तो हमने सोचा थोड़ा इन्जॉय करेंगे, ताज़ी हवा लेंगे, थोड़ा चिल हो जाएगा। और मज़े की बात, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, काफ़ी पीसफुल सा और चिल सा माहौल था। बस फिर आफ्टर अ वाइल ये हम लोग वापसी के लिए निकल गए, एंड लुक एट दिस प्रिटी स्काई, इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना आज, सूरज तो बहुत ही कम आया आज, मोस्टली बादल थे। खैर घर पहुंच गए थे हम लोग जल्दी दोपहर तक ही, फिर उसके बाद हम लोग शाम में निकले हैं अगेन, और हम आए थे यहाँ डॉलमन मॉल। मैंने ये पहले ही प्लान किया हुआ था कि मम्मा पापा को शॉपिंग पे लेके आऊँगी और उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट भी देना था, तो बस फिर ये डॉलमन मॉल आ गए। बाय द वे ये हैदरी नाज़ाबाद वाला डॉलमन मॉल है, तो फिर थोड़ी शॉपिंग वगैरह की उसके बाद। अच्छा मैंने पता क्या किया, अपने पेरेंट्स को ऊपर फूड कोर्ट में बिठाया और मैं जल्दी से नीचे आई, क्योंकि मेरे माइंड में था मुझे क्या लेना है, लेकिन मैं ले नहीं पाई थी, टाइम नहीं मिला था मुझे। तो मैं जल्दी से जे डॉट आई पहले, वहाँ से मैंने परफ्यूम लिया मम्मा के लिए और पापा के लिए गिफ्ट लिया। सो फिर यहाँ पर ये गिफ्ट्स ले लिए थे मैंने, और फिर के बाद में ऊपर फूड कोर्ट आई, वहाँ से मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया। बाय द वे मेरे पेरेंट्स को पता नहीं क्यों बाहर का खाना पसंद नहीं है। खैर मैंने कुछ ऑर्डर किया, फिर मैंने फाइनली दोनों के गिफ्ट्स दिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो उस क्लिप में, मैंने ये गिफ्ट दिया पापा को और ये जे डॉट वाला दिया मामा को, और दोनों ने ओपन किया और दोनों के रिएक्शंस बहुत अमेजिंग थे, दोनों बहुत खुश थे। बस उनको खुश देखे ना, मुझे डबल ट्रिपल खुशी मिल गई। अच्छा फाइनली ये गिफ्ट्स वगैरह उन्होंने रिवील किया, देखे दोनों को बहुत पसंद आए। मैं आपको घर जाकर सही से गिफ्ट दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया था मैंने। ये थोड़ा सा खा पी कर बस फिर हम लोग वापसी के लिए निकल गए, क्योंकि ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी, अब अच्छा खासा टाइम हो गया था। आज पूरे ही दिन मुझे बहुत मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट 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 डे ऑफ माय लाइफ था। अच्छा फिर घर आ गई तो मुझे याद आया मैंने कहा था गिफ्ट्स दिखाऊंगी आपको, तो मैंने कहा वो दिखा देती हूँ पहले। तो पापा के लिए वैसे इनिशियली मुझे ऊद बाय करना था, क्योंकि परफ्यूम्स वगैरह अच्छी लगती हैं उन्हें, लेकिन वो जो ऊद मुझे चाहिए था ना वो मिला नहीं वहाँ पे। तो बस फिर मैंने ये रिस्ट वॉच बाय कर ली, एंड ग्लैडली पापा को बहुत पसंद आई, तो बस उन्हें पसंद आई तो मैं भी खुश हूँ। और बाकी मम्मा के लिए ये जो रॉट से 502 ली थी वसीम अकरम वाली फॉर हर, जो है काफ़ी ज़्यादा टॉप फेमस ऐसे टॉप सेलर्स में से उनकी परफ्यूम है, और काफ़ी लोगों को ये बहुत पसंद आती है, बहुत लोग रिकमेंड भी करते हैं। तो मैंने कहा अच्छी होगी, मैंने इसको स्मेल भी किया वहाँ पे तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो इसलिए ले ली मैंने। बाय द वे इसकी बॉटल सुपर लग्जूरियस है, बहुत अच्छी लगती है इसकी बॉटल, साइड पे जो एक्सेसरीज वगैरह लगाई हुई है, जो कॉइन्स वगैरह हैं, जो उसका कैप है, मतलब एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट, बहुत ही अमेजिंग बॉटल लगी थी मुझे। और अच्छी बात यह कि मम्मा को भी पसंद आई थी, ये फ्रेग्रेंस अच्छी लगी है, हालांकि मम्मा मेरी बहुत पिकी हैं फ्रेग्रेंस के मामले में, उनको सारी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि ये अच्छी लगी थी उन्हें। तो जी बस ये थे वो गिफ्ट्स जो कि मैंने पेरेंट्स को दिए थे। अब आज का दिन तो अख्ताम पे आता है, लेकिन मुझे अभी आप लोगों से थोड़ी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी है, सो वेट फॉर दैट। मुझे बस आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना था, बिकॉज आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ, आई कॉन्ट इवन टेल हाउ ग्रेटफुल एंड हैप्पी आई एम राइट नाउ। आई ऑलवेज से दिस, हमेशा ही मैं कहती हूँ ये बात कि आई एम सो लकी, क्योंकि मुझे कभी भी कोई हेट नहीं मिला है, कोई नेगेटिविटी नहीं मिली है, सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं मेरे, सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एवरी वन इज़ सो स्वीट टू मी, आई डोंट नो वाई, एंड आई एम गेटिंग दिस फीलिंग राइट नाउ कि फाइनली माई हार्डवर्क इज़ रियली पेइंग ऑफ। आई रिमेंबर इट ऑल स्टार्टेड इन द एंड ऑफ 2019, जब मैंने वीडियोज़ का प्लान करना स्टार्ट किया था। फिर मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी 8 जनवरी 2020 को। ऑल दो इट हैज़ बीन अ टफ जर्नी इन द स्टार्ट, बट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। इट वॉज इन फैक्ट ऑन माई विजन बोर्ड टू गेट 100K बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब जब ये 2022 स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने अपना जो गोल्स वगैरह सेट किए थे, अपना विजन बोर्ड बनाया था, उस पर मैंने लगाया था कि 100K का माइलस्टोन मुझे अचीव करना है इस साल के एंड तक, लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना जल्दी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन फॉर दैट, एंड नाउ आई विल रिमेंबर दिस डे फॉर एवर, मुझे नहीं लगता मैं दिन कभी भूलूंगी। एंड लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर बींग देयर फॉर मी, थैंक यू फॉर लविंग माई वीडियोज़, लविंग माई कॉन्टेंट, थैंक यू फॉर मेकिंग ऑल दिस हैपन, थैंक यू फॉर बींग द बेस्ट व्यूअर्स, एंड थैंक यू फॉर बींग सो प्रेशियस इन माई लाइफ, आई लिटरली लव यू ऑल सो मच। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली मम्मा पापा, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आई नो आप दोनों मेरी सारी वीडियोज़ देखते हो, बल्कि बार बार देखते रहते हो, और ये भी देख रहे होगे, तो मुझे बस आप दोनों से
कहना था कि बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, आपकी मदद का। स्टार्ट से आप दोनों ने बहुत हेल्प की है मेरी। आई ऑनेस्टली लव यू बोथ सो मच।